गुड मॉर्निंग। सो आज मैं आपके सामने लाया हूँ एक बहुत ही अच्छा और क्या तो वैल्यू फॉर मनी कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज है और ये है वेस्ट बंगाल की कैपिटल कैलकटा के अंदर केपीसी मेडिकल कॉलेज। और आप मेरे साथ साथ देख सकते हैं इस कॉलेज की वेबसाइट को, और यही मेरा पर्पस था। बहुत शानदार कॉलेज है और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपके लिए स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ। ऑफ कोर्स ये वेस्ट बंगाल का प्राइवेट कॉलेज गिना जाएगा, तो इसकी में जो जितना भी काउंसलिंग का रूल है वो वेस्ट बंगाल लागू होता है, तो आपको वेस्ट बंगाल की स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा जस्ट टू टेल यू द एडमिशन प्रोसीजर। और 2021 में थैंकफुली अभी तक वेस्ट बंगाल की काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है, तो आपको वो टेंशन की जरूरत बात नहीं है, आपके पास समय है। तो क्या खास है केपीसी मेडिकल कॉलेज में, देखिए जब भी हम इंडिया के टॉप 20 सस्ते प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, और मैं वही बात कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जो जिन्हें एडवांटेज नहीं है स्टेट कोटा का, वरना ये वेस्ट बंगाल में भी या मध्य प्रदेश में आपको पता है डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स चलती हैं, कर्नाटका में, केरला में, वो जो स्टेट कोटा की सीट्स होती है। लेकिन फॉर एक जनरल जनरल इंसान जैसे दिल्ली का, यूपी का, हरियाणा का, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, जब हम जाके पढ़ाई करना चाहते हैं और हमें वो बेनिफिट नहीं मिलता, सो डेफिनेटली केरला के वो तीन कॉलेज या कर्नाटका के कुछ कॉलेज जहाँ पर फीस 10 लाख रुपए साल पर ईयर से कम होती है, या सीएमसी वेल्लूर आ जाता है, सीएमसी लुधियाना आ जाता है, सेंट जॉन्स आ जाता है, और उसी श्रेणी में तो केरला, कर्नाटका और छत्तीसगढ़ के अलावा एकमात्र स्टेट जहाँ पर, एकमात्र कॉलेज होने से जहाँ पर आपका ट्यूशन फी 50 लाख रुपीज है टोटल पूरे कोर्स की, वो है केपीएससी मेडिकल कॉलेज जादवपुर कैलकटा। बहुत ये सब फीस नहीं, बहुत ही शानदार कॉलेज है, हार्ट ऑफ कैलकटा सिटी में है। इस कॉलेज में अगर आप देखेंगे तो पीजी भी कराई जाती है, और आप इसकी ओवरऑल वेबसाइट को गौर करके आपको रियलाइज होगा कि ये बहुत बहुत बढ़िया कॉलेज है, बहुत बढ़िया इसकी मैनेजमेंट है, और बहुत ही जैसे कहते हैं ना कि सही भावना से कॉलेज चलाया जा रहा है। मेरे पास बहुत पर्सनल फीडबैक आ रही है और उस फीडबैक के हिसाब से मैं आपको विश्वास से कह सकता हूँ कि आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी कि अगर आपको एडमिशन इस कॉलेज में मिल जाता है। पीजी भी इस कॉलेज में जैसा मैंने बताया कि चलती है, और पीजी भी क्लिनिकल भी चलती है नॉन क्लिनिकल के साथ साथ, तो अगर आप देखेंगे तो जो भी रियलाइज की इतनी सीटें हैं और बिल्कुल क्लिनिकल कोर्स चलते हैं, बिल्कुल हार्ट ऑफ द कैलकटा में है, कोई ऐसा नहीं कि आउटस्कर्ट्स में है, रहना आसान है बहुत। हॉस्टल की जो फीस है वो भी तकरीबन 1 लाख रुपए साल की एक्स्ट्रा है, तो अब सब भी जोड़ लेंगे तो आपका 55 लाख में काम हो जाता है। इस साल थोड़ा सा बढ़ भी गया तो 57-58 में हो सकता है। एकमात्र पेच देखिए वही है, क्योंकि जो मैं आपको बता रहा हूँ ये शायद काफी लोगों को पता ही होता है। सो अल्टीमेटली एडमिशन के चांसेस तभी हैं जब आपके मार्क्स एटलीस्ट नीट में 500 नंबर से ऊपर हैं ब्रॉडली। सो अगर आपके मार्क्स 500 नंबर से ऊपर हैं तो आप वेस्ट बंगाल स्टेट काउंसिलिंग के थ्रू केपीसी मेडिकल कॉलेज में जरूर ट्राई कीजिए। इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉलेजेस ऑफ इंडिया, लेट मी पुट इट दिस वे, और आपकी पढ़ाई का जो लेवल रहेगा वो बहुत अच्छा रहेगा। सो बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।